Hi friends, welcome back. Indian Navy to build naval bases in ये कौन सी है मिनिकॉय एंड ये कौन सी जगह है अगाती आइलैंड्स. अच्छा चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. स्मार्ट मूव है अच्छी जो ये ऐसे होना चाहिए और हर जगह पे जगह जहां जहां हम कर पा रहे हैं करते हैं. जब मालदीव ने तकलीफ दे रहा है तो आप नेवल बेस बनाइए भाई. परी चाइना को टक्कर देनी है हमने भैया. चाइना अगर एक आइलैंड लेता है हमने 10 लेने हैं इस तरह से. चलो शुरू करें. यहाँ पे आगे बैठ गया चीन. चीन को तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन दोस्तों चीन का अलग मामला है, हमारा अलग मामला है. चीन डेमोक्रेसी नहीं है, हम लोग डेमोक्रेसी है. कायदे से यहाँ पे पाकिस्तान को ऑपरेशंस करने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान की नेवी जो है बस कुछ चंद मछुआरे. इसके अलावा पाकिस्तान की नेवी की 2% की औकात नहीं है. इस पूरे एरिया में जिसको यूपी में कहते हैं हम लोग ना भौकाल, बॉस भौकाल एकदम टाइट है भारत का. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. दोस्तों मैं सोच रहा हूं आज आपको ना थोड़ा सा पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है जिसमें भारत इन्वॉल्व है उसके बारे में मैं समझा दूं. 3-4 लोकेशंस में आपको कवर करके दिखाऊंगा आज और आपको बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो में. एंड तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसके अलग अलग सेक्शंस हैं. इट इज नॉट वन सिंगल स्टोरी, देर आर मेनी स्टोरीज विद इन स्टोरीज. पूरा प्याज बेचने वाला हूं मैं आपको. प्याज जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, एक उतारा दूसरा उतारा तीसरा उतारा, प्याज कुछ नहीं होता, प्याज छिलका ही है. तो पहला देखिए, ऐसा है कि अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है. गुड. तकरीबन यहां पे है अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स, तकरीबन इधर इस एरिया में. और ये ऑलरेडी आप मालदीव्स देख रहे हैं यहां पे. तो INS जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है और INS जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. कौन? राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री. ही विल इनॉग्रेट द बेस. अच्छा, ये यहां पे आने के बाद भारत ने, ये भारत का पूरा दोस्तों, ये हो गया हमारा वेस्टर्न सीबोर्ड, ये हमारा हो गया ईस्टर्न सीबोर्ड. जाहिर सी बात है ये ईस्ट की तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है, ये हमारा वेस्टर्न सीबोर्ड हो गया. यहां पे आइलैंड में भारत अपना एक नेवल बेस बनाएगा. इस वक्त जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें रक्षा मंत्री हैं, जिसमें यू नो सारे जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल, और इट्स अ कंप्लीट थिंग, वो हो रही है अबॉर्ड एन एयरक्राफ्ट कैरियर. एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सब लोग कर रहे हैं ये सब. और यहां पे इनका आइडिया है कि इस एरिया में नेवल बेस बनाए. अगाटी और मिनिकॉय, ये दो जगहों के, ये दो आइलैंड्स के नाम आप याद रखिएगा दोस्तों. अच्छा, नीचे मालदीव है ये आपने देख लिया, ये श्रीलंका है, ये अपने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं. ठीक है जी, एक बात आप ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों. ये जैसे एक आपको मास दिख रहा है ना, ऐसा मास नहीं है, इसमें छिद्रे हुए कई सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन इसमें ऐसे ही दिखा रखा है. और अगर आप इंडोनेशिया का देखेंगे, ये आइलैंड्स इतने पास है यहां से फैले हुए, इतने पास है यहां से फैले हुए कि इंडोनेशिया से इंडिया, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इंडोनेशिया से इंडिया, अगर आप एक्चुअली देखें कि हमारा आखिरी आइलैंड और उनका आखिरी आइलैंड कौन सा है, तो आपको देखेगा कि 200 से लेकर 300 किलोमीटर से ज्यादा का फर्क नहीं है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में. ये आइलैंड्स इतने ज्यादा यहां से फैले हुए हैं. अब यहां पर भारत नेवल बेस क्यों बना रहा है, भारत के क्या कारण है? अच्छा, यहां पर आगे बैठ गया चीन. चीन को तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन दोस्तों चीन का अलग मामला है, हमारा अलग मामला है. चीन डेमोक्रेसी नहीं है, हम लोग डेमोक्रेसी है. तो कई चीज में हमारा हाथ ऊपर रहता है, कई चीज में चीन का हाथ ऊपर रहता है. राइट, चीन ने वहां की एक दो पॉलिटिकल पार्टीज को खरीद लिया और वहां पे चाइनीज वेसल डॉक कर रही है. ये हमारे लिए खतरे की बात है, ये हमारे लिए खतरे की बात है. और ऐसी बात नहीं है कि आज ही चाइनीज वेसल आएंगी, चाइनीज यहां पे सबमरीन आएंगी, चाइनीज यहां पे जहाज आएंगे, और धीरे धीरे आएंगे. जितना भी है मामला यहां पे ये चलता रहेगा आगे तक. इसमें से एक ऐसा भी आइलैंड है जो कि चीन ने 50 साल की लीज में ले लिया, मैं बात कर रहा हूं मालदीव्स की. और कितने का? सिर्फ $4 मिलियन का. $4 मिलियन हमने क्यों नहीं लिया? $4 मिलियन होता कितना है? $1 $82 का चल रहा है, $82-83 का. तो आप समझ लीजिए सिर्फ $4 मिलियन चिल्लड़ होता है, $4 मिलियन. और आइलैंड कहां पे लिया? माले आइलैंड का जो एयरपोर्ट है, माले इनकी कैपिटल है, वहां पे एयरपोर्ट से बिल्कुल सामने एक आइलैंड है. इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस चाइना ने आइलैंड ले लिया,
भारत ने जवाब में यहाँ पे मिनिकॉय और अगाडी आइलैंड्स में अपना नेवल जाए ना, हम भी वो चाइना के पास जाके करते हैं ये सब काम, कर क्यों नहीं रहे हम चाइना के एरिया में, और जगह टाइम से क्यों नहीं खरीदा था, क्या पता आवश्यक पॉइंट तो ये था, वही तो मैं वेट कर रहे थे चाइना की। ये तो आज की ताजा खबर है। अब मैं आपको यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा दूर ले चलता हूँ, लेट मी टेक यू टू आर्मेनिया और अजरबैजान। ये भी आपको समझने की जरूरत है कि इसमें गेम क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भारत का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। ये जो है ना ईरान और ये अजरबैजान, अजरबैजान की दोस्तों ये मैंने मेजरली राइट में भी थोड़ा बहुत कवर करा था, थोड़ा बहुत अलग इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अजरबैजान 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है इसकी, और अगर आप पूरे 100% करें तो उसमें 60% तो सिर्फ शिया है वहां पे, 60% आर शिया, 30% आर सुन्नी, ये हो गए 90%, और बाकी 10% उसमें क्रिश्चियंस हैं, कुछ दाएं बाएं छोटे मोटे बस। जो यहां पे आपके आर्मेनिया है, आर्मेनिया आप देखें लैंडलॉक्ड है दोस्तों, अगर आप ये देखें ना आर्मेनिया को, आर्मेनिया टोटली लैंडलॉक्ड है, यानी कि आर्मेनिया के पास कोई बाहर जाके समुद्री रास्ता नहीं है, कोई पोर्ट नहीं है, पूरी तरफ से आर्मेनिया घिरा हुआ है। आर्मेनिया को कौन आर्मेनिया के खिलाफ खड़ा है, एक पूरा महाज, एक पूरा फ्रंट खोल दिया है आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान। कैसे, क्यों? तुर्की बनना चाहता है आलम इस्लाम का लीडर, वो तो है। तुर्की बनना तब से कोशिश कर रहा है, वो तो सदियों से कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब को निकालो, सऊदी अरब को बिल्कुल निकाल दो, ये सऊदी अरब है, सऊदी बेटर है, मक्का मदीना है, ये देखिए मक्का है, ये मदीना है, जबकि टर्की जो है वहां पर भी सब कन्वर्टेड है, ये जद्दा, पर मक्का मदीना सारे मुसलमानों के लिए बड़ा मान्य है, बहुत एक इंपॉर्टेंट जगह है रिलीजियसली, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन, की तो डूब रहा है पहले क्रिश्चियन से। अब इनको सऊदी अरेबिया को फड़का के ये आलम इस्लाम का लीडर बनना चाहता है टर्की। अब टर्की कैसे बनेगा यार, ना तुर्की के पास तेल, ना तुर्की के पास, वही तो मैं कह रही हूं, और तुर्की के पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। तुर्की क्या करता है कि ऐसे छोटे छोटे मुस्लिम देश जो कि किसी के साथ लड़ाई चला देता है, किसी के साथ भिड़ चुके हैं किसी मामले में, नेटो का मेंबर है, बस वही दिखाता रहता कि वो उनकी शय में आ जाए। तो इसने एक अजरबैजान देख लिया, एक इसने पाकिस्तान को, यहाँ भी ये रहा पाकिस्तान छोटा सा, मौसम ऐसे हो गया था यहाँ पे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कुछ करके इसको करके, तो रस्सी लगा रखी है, 57 मुस्लिम कंट्रीज में रस्सी लगा रखी है, पता नहीं घेरे में लेने की कोशिश है। अब यहां से क्या हो रहा है कि इनको ये बायरेक्टर ड्रोन्स जो है, ये ड्रोन्स दे रहा है इनको, ठीक है जी, अजरबैजान को ड्रोन दे रहा है तुर्की, और पाकिस्तान से भी कह रहा है कि आप भी हथियार इनको दो, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तुर्की थोड़े बहुत पैसे पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान उनको सप्लाई करेगा, यानी कि अजरबैजान को ये आपने कॉन्फिडेंस दे दिया है कि भैया देखो ये मुसलमान देश है, ये मुसलमान देश है ईरान, ये मुसलमान देश है पाकिस्तान, ये तीनों तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुर्की और ईरान तो बिल्कुल इसके निकट है, बिल्कुल एकदम पास है दोस्तों। इन दोनों की लड़ाई सिर्फ इलाके की नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई सिर्फ इलाके की है, ये माल बेचा गया सिटी की भी है मेजर, ये माल बेचा गया मार्केट में कि जो लड़ाई है ये दोस्तों इलाके की है। नो, लड़ाई इलाके की तो है, लेकिन असली मामला ये है कि ये लड़ाई ईसाइयों और मुसलमानों के बीच है, और कई एरियाज में जहां पे आर्मेनिया हार गया है वहां पे जब ये फौजें गई अजरबैजान की, तो सबसे पहले उन्होंने काम करा कि वहां के गिरजाघर तोड़ दिए, वहां के चर्चेस तोड़ दिए, और उसकी जगह मस्जिद बनाए, मतलब पहले जो करते थे वही काम यहाँ पे भी हो रहे हैं अभी भी। इस्लाम का परचम लहरा दिया है यहाँ पे इस एरिया में। अभी बेचारा जाए तो कहाँ जाए, ऊपर इसके जॉर्जिया पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड, इंडिया आर्मेनिया के साथ, इनकी भी हिस्ट्री बहुत पुरानी है लड़ाई की, अजरबैजान और आर्मेनिया एक जमाने में ज़ारिस रशिया का हिस्सा हुआ करते थे, फिर उसके बाद ये सोवियत रूस के, आर्मेनिया को और कौन हेल्प कर रहा है, अभी आपस में ये लोग भिड़ रहे हैं। भारत का यहाँ पे क्या लेने देना है, भारत ने इनको पिनाका मिसाइल्स ऑफर कर आर्मेनिया को इट्स मैसिव इंप्रूवमेंट इन दी दिस थिंग, 20-30 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। सो ये सब हो रहा है, और पिनाका मिसाइल्स अभी 50-60 किलोमीटर के रेंज वाली मिल गए हैं, हम लोग आर्मेनिया को दे चुके हैं, तो यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया आर्मेनिया को ज़ेन एंटी ड्रोन सिस्टम भी दे रहा है। वाह, ज़ेन एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है, जब बायरक्तार एक बड़ा मशहूर ड्रोन है जो तुर्की बनाता है, तुर्की ने बायरक्तार ड्रोन दिए हैं अजरबैजान को,
जो कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, कि तुम जाके हम भी देंगे उसका तोड़। आर्मेनिया हड़बड़ाया, आर्मेनिया ने भारत से संपर्क करा, भारत ने इनको जेन एंटी ड्रोन सिस्टम दिया है बैरकतार को न्यूट्रलाइज करने के लिए। यानी कि यहाँ पे भी दोस्तों एक किस्म की प्रॉक्सी लड़ाई चल रही है। तो पहले मैंने यहाँ से शुरू करा आपका, चाइना के लिए कर रहे हैं, आपके अगाटी आइलैंड्स में जो बेस बन रहा है और आपके मिनिकॉय में जो बेस बन रहा है, मैंने उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया इधर अजरबैजान और आर्मेनिया के बारे में। अब मैं आता हूँ इस एरिया में, इसके अलावा पाकिस्तान की नेवी की दो टके की औकात पाकिस्तान नेवी कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे दर्जन भर से ज्यादा शिप्स डाले हैं इंडियन नेवी ने, ठीक है दोस्तों, दर्जन भर से ज्यादा शिप्स इंडियन नेवी के हैं, शामिल कॉर्वेट्स, शामिल डिस्ट्रॉयर्स, शामिल सबमरीन्स, शामिल एयरक्राफ्ट रिकॉनसेंस के, शामिल सी गार्डियन ड्रोन्स, सब कुछ यहां पे है। और सबसे बड़ी बात यहां पे एक्चुअली एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करने के लिए मार्कोस कमांडोज हैं, यानी कि भारत के खतरनाक और खौफनाक कर रहे हैं वो भी ऑपरेशंस, ये भी काम पे लग गए हैं। तो इस पूरे एरिया में भारत का कंट्रोल है, कहते हैं हम लोग ना भौकाल, बॉस भौकाल एकदम टाइट है भारत का। चाइना को भी पता है अपने इलाके में हम बना रहे हैं, क्या दिक्कत है यार, यहाँ पे जो अगाडी और मिनिको आइलैंड में अपने इलाके में नेवल बेस बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। तो तोड़ तो चाइना को, चाइना की कमर तोड़ने का और टर्की की कमर तोड़ने का, पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम तो शुरू हो गया है। दुख की बात है, बड़ा देर बाद शुरू हुआ है, क्योंकि चाइना बहुत आगे लीड ले चुका है, उसने दो तीन तो आइलैंड 100-100 साल तक के, ये 50 साल के लिए ले लिया, वो 100 साल से एक 100 साल के एक ले लिया, हम लोगों ने किया ही नहीं। समझ नहीं आता कि हम लोग यही सुनते आए हैं कि चाइना ने ये कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, कब से सुन रहे, जब से रिएक्शन, इतने साल से मालदीव से इतने अच्छे रिलेशनशिप थे, एक आइलैंड भी ले लेते, क्यों नहीं लिया, वही तो अपना नेवल बेस बना देते जिससे कोई और ना आ पाए, वो सोचा नहीं, वो क्यों नहीं। अब चाइना ने लिया तो हम बोलते हैं ओ माय गॉड चाइना ने ले लिया, पहले भी तो लिया था, तब क्यों नहीं किया, उसके बाद क्यों नहीं कुछ किया, वही काम चाइना ने श्रीलंका में किया था, तो वो अपने कर रहे हैं। अब ठीक है, हमारा नेवल बेस आ रहा है, पर हमने किसी और से थोड़ी को लिया है वो आइलैंड, वो तो अपना ही है ना। हाँ वही है, तो फिर अपने उसमें बनाने क्या हुआ, कुछ नहीं अपने, मगर ये अपना ही नहीं बनाया था अभी तक, मगर फिर भी ठीक है कि अपने चलो उसका तोड़ निकाला है, कि अगर वो कुछ करते हैं तो इमीडिएटली हमारी नेवी तो वहां पे होगी काउंटर करने के लिए। नहीं, और इतने सस्ते में वो आइलैंड ले रहे हैं, हमने मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इंडिया इन्फ्लुएंस करता रहेगा उनकी कंट्री में, हटाओ हमें कोई अपने चाल चल के उनको निकालना चाहिए, अपना बंदा बिठाना चाहिए, और अपना बंदा बिठा के उसने एक आइलैंड लिया, हमें तीन या चार आइलैंड ले लेने चाहिए उसी के आसपास। जैसे अभी इंडिया आउट हो रहा है, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना है जो बोलेगी चाइना आउट, फिर अगली बार चाइना आउट होगा, और फिर हमको इसने एक लिया इसकी जगह हम चार। टर्की जो अपने आप को हीरो समझता है बिकॉज ऑफ नेटो, और उसका कोई दम नहीं है, तो। इंडिया ने आर्मेनिया को हेल्प किया, दैट वाज वेरी गुड, कि जो जेन दे दिया ड्रोन के पूरे ब्लॉक करने के लिए ड्रोन्स को, तो बहुत, और वो भी बहुत खुशी आ रही है कि हम अपने वेपन्स जो है अब इनको दे रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है कि हम वेपन्स बनाए। मगर रियलिटी ये है कि आर्मेनिया के पास काफी सपोर्ट था कंट्रीज का, फिर भी अनफॉर्चुनेटली आर्मेनिया हार गया था और अजरबैजान ने आर्मेनिया का पार्ट ले लिया। और देख लो जो हम हिस्ट्री में हमारे साथ हुआ कि ये लोग आए और हमारे मंदिर तोड़ दिए, अभी भी वही चल रहा है। मैं तो इस बात पे इतनी हैरान हुई हूँ कि वो भी वही ये काम कर रहे हैं कि जहाँ जाते हैं उनके प्लेसेस जो है प्लेयर के वो तोड़ के अपने मस्जिद बना रहे हैं। टर्की चाहता है कि वो लीडर बने इस्लामिक वर्ल्ड का, मगर टर्की को ये भी पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, पहले टर्की क्रिश्चियन था और फिर इस्लामिक बना है, और जबकि सऊदी अरेबिया जहाँ फाउंड हुआ था, तो सऊदी अरेबिया को तुम कैसे हटा सकते हो, वो बोलेंगे हमने तो फाउंड किया भाई रिलीजन, और तुम गरीब सऊदी अरेबिया है, तुमसे इतना आगे सब कुछ, सऊदी अरेबिया का भी ऐसे ही है, तो इनसे तो बेटर ही है, तो वही तो है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।